तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे अपने पेट्स के साथ। आज की वीडियो में हम रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे रिंग्स होते हैं बर्ड्स के पैरों में, आपने काफ़ी जगह देखा होगा। वो रिंग्स आपको कहाँ से मिलेंगे और वो पहनाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं और उसका साइज़ क्या होना चाहिए आपके बर्ड्स के हिसाब से और वो कैसे पहनाए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों, रिंग के दो टाइप होते हैं, एक तो क्लोज रिंग और दूसरा कट रिंग। क्लोज रिंग आप बर्ड्स के चिप जब छोटे होते हैं तभी पहना सकते हैं, लेकिन कट रिंग आप किसी भी एज में पहना सकते हो, इसीलिए क्लोज रिंग का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं रिंग्स पहनाने के। तो दोस्तों, रिंग्स पहनाने से बर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाती है, मतलब मेल फीमेल पहचानना और उसका पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन जानना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आपके पास बल्क में बर्ड्स है और आप दो कलर के रिंग्स बनवा लेते हैं, मेल के लिए और फीमेल के लिए पिंक कलर के रिंग्स बनवा लेते हैं और सभी को पहनवा देते हैं, तो आपको बाहर से ही पहचानने में काफ़ी ईजी हो जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप ब्रीडर हो तो अपनी आइवरी का नाम, लोगो या फिर नंबर रिंग पर लिखवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई भी आपसे बर्ड्स परचेस करेगा और आगे सेल करेगा तो उनको आपके आइवरी के बारे में पता चल जाएगा और इससे आपकी सेल भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई टेम बर्ड है और उसका आपने कोई नाम रखा हुआ है, तो उस नाम से भी आप उसको रिंग पहना सकते हो, और चाहिए तो आप उस पर अपना फ़ोन नंबर भी लिखवा सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर गलती से आपका बर्ड उड़ जाएगा और किसी को मिलेगा तो वो नंबर देखकर आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा। अगर हम नुकसान की बात करें तो यहाँ पर एक ही नुकसान है, अगर आपको रिंग के साइज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आपने गलती से बर्ड को छोटा रिंग पहना दिया, क्लोज रिंग, तो क्या होगा कि बर्ड की एज जब बढ़ती है तब वो रिंग उसको टाइट होने लगेगा। आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसे कुछ सिचुएशन में बर्ड का टांग भी काटना पड़ सकता है और इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको रिंग के साइज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो गूगल पर आपको काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जिस पर आपको रिंग के साइज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों, अगर हम रिंग कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में बात करें, तो ये आप देख सकते हो, मैंने रिंग्स मंगवाए थे 50 रिंग्स, तो ये अवेल रिंग से मैंने मंगवाए थे गुजरात से, 25 रिंग्स कट रिंग मंगवाए थे और 25 क्लोज रिंग मंगवाए थे, और उस पर मैंने लोगो भी बनवाया था और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये रिंग बनवा के देते हैं और ऑल ओवर इंडिया में ये डिलीवर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इनसे आप सिर्फ एक भी रिंग मंगवा सकते हो। अगर आपको एक रिंग चाहिए टेम बर्ड के लिए तो वो भी आप मंगवा सकते हो, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रिंग्स है, और इस पर लोगो बनवाने के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी आप कुछ लिखवाना चाहते हो तो वो रिंग के चार्ज में ही आ जाता है, मतलब लोगो बनवाने के चार्ज ही एक्स्ट्रा होते हैं। तो दोस्तों, रिंग पर मैंने चैनल का लोगो भी बनवाया है और आप देख सकते हो काफ़ी बारीक काम किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख कर। और मैंने ब्लू कलर के रिंग लिया है, आपको अगर दूसरे कलर में चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे इनके पास। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अवेल रिंग्स काफ़ी अच्छा रिंग बनाते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको इनके पास रिंग मिल जाएंगे। अगर आपको कॉकटेल्स के चाहिए, किसी भी बर्ड के चाहिए, इवन मकाऊ के भी चाहिए तो मिल जाएंगे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अगर आपको एक रिंग चाहिए तब भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप बाय करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको कट रिंग दिखा देता हूँ, कट रिंग भी काफ़ी अच्छे से बनाया है इन्होंने। तो दोस्तों, अभी हम कट रिंग देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, पूरा सेम ही है क्लोज रिंग के जैसे, बस इसमें एक कट होता है जिसके थ्रू आप बर्ड का लेग अंदर डाल सकते हो और उसको दबा सकते हो। तो ये काफ़ी ईजी होता है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, तो उससे आप काफ़ी ईजिली इसको दबा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, लोगो भी इस पर भी मैंने बनवाया है। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ NGO वाले आ जाते हैं बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करने, उनको लगता है कि बर्ड्स आपने आउटसाइड इंडिया से मंगवाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्लोज रिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, रिंग लगा के मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखाऊंगा कैसे रिंग आपको पहनाना है बर्ड पर। क्लोज रिंग पहनाना काफ़ी मुश्किल होता है, कट रिंग तो आप आसानी से पहना दोगे। तो ये लुटिनो रेड आइज़ का मैंने चेक निकाला हुआ है, इस पर हम क्लोज रिंग पहनाएंगे इसको। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है, पहले आगे के 3 फिंगर पास करने हैं रिंग से, और बाद में जो उसका थंब होता है ना, लास्ट में थंब होता है, वो लास्ट में पास करना है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, मैंने जो ब्लू कलर किया हुआ है ना वो पहले पास करना है आपको, और उसके बाद जो रेड कलर किया हुआ थंब है ना वो आपको लास्ट में पास करना है। इस तरीके से पहनाया जाता है। काफ़ी लोग गलती करते हैं, वो सारे फिंगर्स एक साथ उसमें डालते हैं तो वो पहनाना मुश्किल हो जाता है, और कई बार बर्ड के फिंगर भी टूट सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए।
तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अभी रिंग पहना दिया है और अभी थोड़ा लूज़ लग रहा होगा, लेकिन जब इसकी एज बढ़ेगी तो ठीक हो जाएगा। और मैंने थोड़ा लूज़ ही मंगवाया है क्योंकि उस प्रॉब्लम में मुझे जूझना नहीं है जिसमें रिंग टाइट हो जाएगा बर्ड को और टांग काटना भी पड़ सकता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लूज़ ही मंगवाया है, 4.5 mm मंगवाया था। और साथ ही साथ मैं ये लो बर्ड्स को भी पहना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने 4.5 mm मंगवाया है। और आगे मैं होगोरोमो भी लाने वाला हूँ और साथ ही साथ शो क्रॉस भी लाने वाला हूँ, तो इसी के लिए मैंने रिंग्स मंगवाए थे। तो कमेंट करके बताना रिंग्स कैसे लगे। तो अगर आपको अभी भी कोई रिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और पहली बार चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।